नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़े स्थित 100 वर्ष पुरानी काजी वाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। छात्र कृपया ध्यान दें, अगर आप 11, 12 या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए मैथ्स का ट्यूशन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है गौरीकुलम मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट। बक्सरी रोड के खालसा लॉज के निकट स्थित इस इंस्टीट्यूट में दिल्ली और पटना का अनुभव लिए निदेशक अरविंद कुमार के द्वारा बहुत ही सहज तरीके से गणित पढ़ाया जाता है। अरविंद कुमार के द्वारा पढ़ाए गए 1200 से ज्यादा छात्र जीवन में अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं और वे सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में उच्च पदों पर आसीन है। आप भी सफल हो सकते हैं। 11, 12 व प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र गौरीकुलम मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में अपना नामांकन करवाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें या इंस्टीट्यूट में विजिट करें। पता नोट कर लें, गौरीकुलम मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट, काली भवन, खालसा लॉज के निकट, बक्सरी रोड, गिरिडीह। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कुलगो टोल प्लाजा का किया निरीक्षण। सरकारी मानकों के अनुपालन का दिया निर्देश, 15 दिनों के अंदर सभी समस्याओं को दूर करने की भी दी हिदायत। हरिचक कार्यालय में हुई भाजपा की कामकाजी बैठक, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम का लिया गया निर्णय। वहीं प्रधानमंत्री के मन की बात को जन जन तक पहुँचाने की भी बनी योजना। वरीय अधिवक्ता मदन मोहन प्रसाद का हुआ निधन, अधिवक्ता संघ ने दी श्रद्धांजलि, उनकी कमी को बताया अपूर्णीय क्षति। गावा में वन क्षेत्र पदाधिकारी के नेतृत्व में चला अवैध शराब के खिलाफ अभियान। जंगल में संचालित शराब की भट्टी को किया गया ध्वस्त, 30 ड्रम जावा महुआ को किया गया नष्ट। इधर बिन्नी में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। और स्कॉलर बीएड कॉलेज में आयोजित हुआ फेयरवेल कार्यक्रम, सत्र 2020-22 के विद्यार्थियों को दी गई भावभीनी विदाई, कई गणमान्य लोग रहे कार्यक्रम में शामिल। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने गुरुवार को डुमरी के कुलगो टोल प्लाजा का निरीक्षण किया। साथ ही टोल के प्रबंधक को निर्देश दिया कि सरकारी मानकों के अनुसार टोल का संचालन करे। वही बिजली, पानी, शौचालय, लाइट, विश्राम गृह से संबंधित समस्याएं 15 दिनों के अंदर दूर करने की बात इन्होंने कही। सांसद ने कहा कि इस टोल प्लाजा की शिकायत बराबर आ रही है, टोल बना पर नागरिक सुविधा यहाँ पर मुहैया नहीं कराई जा रही है। सांसद ने NHAI के पीडी से बात की, पीडी ने भरोसा दिया कि 15 दिनों के अंदर सारी सुविधाएं मुहैया करा दी जाएगी। उसके बाद सांसद ने नव प्राथमिक विद्यालय बरुआ तांड का निरीक्षण किया। सांसद ने पाया कि विद्यालय के शौचालय में पानी नहीं है, बाउंड्री नहीं रहने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। हालांकि विद्यालय की साफ सफाई से सांसद संतुष्ट हुए, एक शिक्षक के भरोसे ही विद्यालय चल रहा है। विद्यालय में 36 छात्र छात्राएं नामांकित है। विद्यालय में शिक्षक उपस्थित नहीं होने के बारे में प्रधानाचार्य रंजीत कुमार ने बताया कि स्कूल के बच्चों को खाना देकर BRC गए थे ज्ञान हेतु का नोटबुक लाने के लिए। इस दौरान आरजेएस विधानसभा प्रभारी यशोदा देवी, जीप सदस्य प्रदीप मंडल, सांसद प्रतिनिधि पिंटू महतो, अनूप कुमार पांडे, मोहन लाल महतो, मेघ लाल महतो, संतोष महतो, संतोष पंडित, दीपू अग्रवाल, मिश्री लाल महतो आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे।
बरवाटाल प्राथमिक विद्यालय का भी हमने अभी भ्रमण किया। अभी 3 बजे तक स्कूल है, 1 बजे स्कूल बंद हो गया। और दुर्भाग्य की बात है कि इस स्कूल में एक शिक्षक है और 5 क्लास तक चलता है। सारे 1 से 5 तक एक ही रूम में बैठते हैं। किस सिस्टम में पढ़ाई होता शिक्षा मंत्री खुद बताएंगे। और खाली स्कूल का बाहर से कलर दे देने से स्कूल का अंदरूनी स्थिति क्या, शौचालय बंद है, बाउंड्री वाल नहीं है, चापाकल नहीं है, पानी नहीं। आप समझ सकते हैं कि एक टीचर बच्चों को क्या व्यवस्था दे सकते हैं और जो परिस्थिति है। और शिक्षा मंत्री के क्षेत्र का ये हाल है तो बाकी का क्या। और सबसे बड़ी बात है कि अभी दिसंबर माह आज हो गया, 22 तारीख हुआ, अभी शिक्षक किताब लेने गया। मुझे अभी तुरंत शिक्षक आया तो पूछे तो बोले कि किताब लेने के लिए गया। किताब मतलब दिसंबर ख़त्म हो रहा, अभी किताब मिल रहा। अब 15 दिन में बच्चे 15 दिन भी नहीं, 10 दिन समय बचा है, 10 दिन में वो एग्ज़ाम भी लिखेंगे पढ़ के। अब समझिए कितने ब्रिलियंट बच्चे हैं, शिक्षा मंत्री को जानना चाहिए। और बुक जो कॉपी जो दिया जाता है, कॉपी पेंसिल, वो आज तक नहीं मिला है। दीवार में पढ़ेंगे कि कहाँ पढ़ेंगे उसका जवाब। भाजपा की हरिचक स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में गुरुवार को पार्टी की कामकाजी बैठक की गई। यहां मन की बात कार्यक्रम और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक के दौरान बताया गया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसम्बर को है, जिसे सुशासन दिवस के रूप में श्रद्धा पूर्वक मनाना है। साथ ही उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम भी आयोजित होगी। मन की बात को जिला स्तर के एक एक बूथ तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान बूथ स्तर पर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई लोगों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। इस बाबत पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने बताया कि 25 दिसम्बर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि सुशासन दिवस के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती मनाई जाएगी और प्रधानमंत्री की मन की बात को सुनी जाएगी। भाजपा नेता चुनुकांत ने कहा कि इस कामकाजी बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कई जिम्मेदारियां सौंपी गई है और कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर विचार विमर्श हुआ। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, सुनील पासवान, कामेश्वर पासवान, प्रोफेसर विनीता कुमारी, संदीप डंकेज, विनय सिंह, संजीत सिंह पप्पू, सोनू एजॉस, मिथुन चंद्रवंशी, महेंद्र वर्मा समेत भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला कार्यालय में 25 दिसंबर को किस तरह से हमको मन की बात सुननी है, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रत्येक माह के अंत में मन की बात कही जाती है, कई उपयोगी बातें कार्यकर्ताओं की भी आज बैठक ली गई, जिसमें माननीय अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार से बताया कि कौन कौन लोग इसमें अपेक्षित हैं। लेकिन इस बैठक के बाद ये भरोसा हम लोग के बीच में आया है कि ये जो हमारे कार्यक्रम 25 दिसंबर को होने वाला है वो धारदार होगा, जोरदार होगा और लोग विनम्रता के साथ में कार्यक्रम करेंगे। के दो अंतिम कार्यक्रम इस वर्ष का होना है, एक प्रधानमंत्री मन की बात का, दूसरा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को, जिसको सुशासन दिवस के रूप में पार्टी ने मनाने का फैसला लिया है। उसी के उन दोनों कार्यक्रम को कैसे बेहतर तरीके से सफल बनाया जाए, इसके लिए कामकाजी बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में जितने भी हमारे जिले के पार्टी के दायित्वधारी कार्यकर्ता है उनको जिम्मेवारी दी गई ताकि कार्यक्रम और शानदार तरीके से मनाया जा सके। आज भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कामकाजी बैठक की गई, जिसमें हम लोगों ने उपस्थित हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किस हम लोग का राष्ट्रीय कार्यक्रम जो तय है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि जन्म जयंती को हम लोग सुशासन दिवस के मनाते हैं और उसी के दिन इस बार भी मन की बात का भी
महीने का अंतिम रविवार को जो प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनना है, वैसे में सारे कार्यकर्ताओं से मिलकर के हम लोगों ने अपने सभी बूथ स्तर पर कार्यक्रम करने का तैयारी की है। उसी के निमित्त हम लोग जो है बूथ स्तर पर अपने सम्मानित प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनेंगे और वहीं पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जनता पार्टी के 25 दिसंबर का जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसका सुशासन दिवस और मन की बात, ये दो कार्यक्रम के लिए बैठक हुआ। किस प्रकार हम लोग पूरे गिरिडीह जिला में एक एक बूथ पर कार्यक्रम को चलाना है, मन की बात को लोगों को सुनाना है और प्रधानमंत्री द्वारा जो राष्ट्रीय हित में काम कर रहा है वो बात जन जन तक पहुँचाने का आशा है। भारतीय जनता पार्टी को काम करने का इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपने प्रदेश में अपने क्षेत्र में देखेंगे, वहाँ पर जनता को अपनी बात सुनाने काम करेंगे। साथ साथ हम लोग एक कार्यक्रम और भी है जो हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, सुशासन दिवस मनाया जाएगा। हम लोग बोलेंगे प्रधानमंत्री जी के अपने जो भारतवासियों को अपने कार्यकाल में जो सुविधा उपलब्ध कराए वो जन जन तक हम लोग पहुँचाने के काम करेंगे और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी जो राजनीति में जितनी बातें कही वो बातें हम लोगों तक पहुँचाने। गिरिडीह के वरीय अधिवक्ता मदन मोहन प्रसाद का निधन रांची स्थित रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया। गुरुवार को बरगंडा स्थित घर और बार लाइब्रेरी में श्रद्धांजलि के लिए उनके पार्थिव शरीर को लाया गया। यहां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, महासचिव चुन्नू कांत, वरिष्ठ अधिवक्ता अजय सिन्हा समेत कई अधिवक्ता पहुंचकर स्वर्गीय मदन मोहन प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। बताया गया कि वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इनका इलाज चल रहा था। इस बाबत बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नू कांत ने कहा कि वरीय अधिवक्ता मदन मोहन प्रसाद के निधन हो जाने से काफी अधिवक्ता संघ को क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि वे कानून के अच्छे जानकार और सरल व्यवहार के व्यक्ति थे। उनका इस तरह से चले जाना खासकर अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ी कमी खलेगी। उन्होंने ईश्वर से उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने और इस दुख की बला में परिवार वाले को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। अधिवक्ता मदन मोहन प्रसाद जी का आज सुबह इलाज के दौरान रांची रिम्स में निधन हो गया। उनके निधन से गिरिडीह बार को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। वो कानून के एक अच्छे जानकार नहीं बल्कि बहुत ही सज्जन और सरल व्यवहार के व्यक्ति थे। उनका इस तरह से निधन होना गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ को ही नहीं बल्कि जिले के जितने पक्षकार हैं उनके लिए भी भारी नुकसान हुआ है। वैसे लोग जिनके मदद के लिए कानूनी रूप से वो आगे आते थे, आज वो वैसे तमाम पक्षकार अपने आप को असहाय और कमजोर महसूस करेंगे। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और उस परिवार को जिस पर ये मुसीबत आया उसको ये दुख सहने की क्षमता दे। गावा वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में प्रखंड के झूमर झारा जंगल में अवैध रूप से संचालित एक शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें 30 ग्राम जावा महुआ शराब को नष्ट कर दिया गया। वहीं 20 लीटर तैयार शराब को भी विनष्ट कर दिया गया। वन विभाग ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। मौके पर से संचालक भागने में सफल रहा। इस दौरान शराब बनाने वाले भट्टी के अलावा कई उपकरण को भी जब्त किया गया। मौके पर छापेमारी दल में प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी पवन चौधरी, अभिमीत राज, उप वन परिसर पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद, हीरा लाल जिलाजीत, बम शंकर, सुनील हेमरेम, पवन विश्वकर्मा, अशोक कुमार, मुकेश दास, नीरज पांडे, राहुल कुमार, सीमोन हेमरेम आदि उपस्थित थे। ग्रामीणों के द्वारा सूचना प्राप्त हो रही थी कि बिहार के सीमावर्ती उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र डुमरझारा के जंगल में अवैध रूप से शराब भट्टी का
संचालन किया जा रहा है। सूचना पाकर वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर वन क्षेत्र पदाधिकारी गांव के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम गठन कर डुमरझरा के जंगल में छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 30 ड्राम में डाला हुआ जावा महुआ को नष्ट किया गया एवं मौके पर ही करीब 20 लीटर महुआ शराब को बहाया गया। घटनास्थल के आसपास में कोई अभियुक्त नहीं मिल पाया, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मामले की छानबीन की जा रही है, इसमें दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में वन क्षेत्र में शराब भट्टी संचालन करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिड़नी के तेतरिया सलेडी गांव में आबकारी विभाग द्वारा छापेमारी कर भारी मात्रा में जावा महुआ को नष्ट किया गया। इस दौरान कई लीटर अवैध शराब जब्त कर बरमसिया उत्पाद डिपो लाया गया। इस दौरान शराब निर्माण में उपयोग होने वाले बर्तनों को जब्त कर लाया गया। इस बाबत आबकारी विभाग के अधीक्षक सुधीर कुमार ने कहा कि विभाग को सूचना मिली थी कि इन जगहों पर अवैध शराब निर्माण कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रखंड मुफस्सिल जमुआ राजधनबार बिरनी में छापेमारी कर हजारों लीटर शराब में प्रयुक्त होने वाले महुआ को नष्ट कर दिया गया और शराब को जब्त किया गया। हालांकि इस कार्यक्रम में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि महुआ शराब और स्पिरिट शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए ऐसे शराब का सेवन ना करें। अभी हम लोगों को आज गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गिरिडीह जिला में कुछ जगहों पर महुआ शराब बड़े पैमाने पर बन रहा है। इसी सूचना पर हम लोग निकले थे, जमुआ में बाघमारा में छापेमारी की, वहाँ काफ़ी बड़ी सफलता मिली। करीब 10,000 केजी जावा महुआ, 400 लीटर बना हुआ शराब, उसमें लोगों का कहना है कि उसमें स्पिरिट भी वो मिलाकर बेचता है। उसकी अच्छी से गहराई से हम लोग उसकी जांच कर लेंगे और उसी क्रम में अभी यहाँ छापेमारी करते हुए लोगों में भी छापेमारी किए और उसके आगे इसी छापेमारी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी तेतरिया सलीडी में अभी छापेमारी हो रही है। आगे भी सब छापेमारी जारी रहेगा। आम जनता से भी यही अनुरोध रहेगा कि वो लोग नाजायज़ शराब नहीं पिए, उनके जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि महुआ शराब लोग सोच के पीते हैं, उसमें स्पिरिट मिलाया हुआ रहता है। इसी सूचना के लिए मुझे खुद इस अभियान में निकलना पड़ा है, ताकि कोई भी लोग नए पर्व के अवसर पर, नया साल आने वाला है तो इसको बढ़िया से मनाएं, लेकिन अवैध शराब का सेवन नहीं करें, उनका जान अमूल्य है। स्कॉलर बीएड कॉलेज में गुरुवार को सत्र 2020-22 के प्रशिक्षु छात्र छात्राओं के फेयरवेल पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथि विकास खेतान, ध्रुव संथालिया, जोरावर सिंह सलूजा, श्रवण केजिया, प्रदीप अग्रवाल, प्रदीप डोकानिया, दिनेश खेतान, सुनील मोदी, निर्मल झुनझुनवाला ने किया। कार्यक्रम गणेश वंदना के साथ प्रारंभ हुआ और उसके बाद एक से एक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। यह कार्यक्रम उपप्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला के दिशा निर्देशन में हुआ। डॉक्टर खोवाला ने प्रशिक्षुओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई दी। स्वागत भाषण डीएलएड प्रभारी हरदीप कौर ने दिया। कार्यक्रम में सभी प्रशिक्षुओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में सत्र 2020-22 के टॉप 10 को सम्मानित किया गया और उन्हें मोमेंटो दिया गया। प्रथम स्थान आशुतोष कुमार, द्वितीय रोहित कुमार पांडे और तृतीय प्रांजलि कुमारी और साथ ही डीएलएड सत्र 2019-21 में प्रथम स्थान पूजा सलूजा, द्वितीय बेबी कुमारी और तृतीय स्थान लाने वाले सोनिया लता को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में सभी सहायक व्याख्याता और प्रशिक्षुओं ने अपना बहुमूल्य योगदान देकर कार्यक्रम को सफल बनाया।
हैं 20-22 के बीएड के, और 19-21 सत्र जो हमारे डीएलएड के प्रशिक्षु रहे उनका आज हमने विदाई समारोह कम 2013 से जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ के निकले हैं उन सबों के लिए हम लोगों ने पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन भी रखा था। मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी तादाद में 2013 से आज तक के पूर्ववर्ती छात्रों ने भी इस समारोह में अपना बहुमूल्य समय निकाल के आज हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। और निश्चित रूप से एक महाविद्यालय की सफलता उसी में पता चलता है जब हमारे साथ 10 साल पूर्व भी छात्र एक खबर पे इतना जुड़ के उमड़ के अपने प्रोफेशन से वीक देश से निकल के भी कार्यक्रम में भागीदारी अपनी निभा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ से जो बच्चे आज निकल रहे हैं वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जो भी यहाँ से अपने कौशल को डेवलप किया वो अपने अच्छी तरीके से अपने जीवन में उसको यूज़ करते हुए अपनी शक्ति का सकारात्मकता के साथ प्रयोग करते हुए अपने जीवन को और हमारे समाज और हमारे राष्ट्र को भी सफलता के चरम शिखर पर पहुंचाने के प्रयास में रहेंगे, वो मिसाल जलाएंगे। और मैं शुभकामनाएं देती हूँ हमारे पूर्ववर्ती छात्र अभी के छात्र आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि बतौर श्री विकास केतान जी चार्टर्ड अकाउंटेंट आज हमारे कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए हैं। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी आज यहाँ पे उपलब्ध रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में आज सबों ने इस कार्यक्रम इस परिवार के माहौल को इस प्रांगण के माहौल को सराबोर कर दिया। मैं सबों को शुभकामनाएं देती हूँ, विशिंग ऑल ऑफ देम अ बेस्ट विशेस फॉर देयर बेस्ट फ्यूचर इन एंडेवर्स। थैंक यू। विभिन्न मुद्दों को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के द्वारा बनियाडी में एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना के अध्यक्ष राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा ने किया, वहीं संचालन अजीत कुमार ने किया। मौके पर अजीत कुमार ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के बैनर तले धरना दी जा रही है, जिसमे बतौर अतिथि सीसीएल रीजनल के अध्यक्ष इसराफिल अंसारी, सीसीएल रीजनल के सचिव वरुण सिंह, असंगठित इंटक के प्रदेश अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, इंटक के वरिष्ठ नेता देवता नंद दुबे, सीसीएल कथारा क्षेत्र के अध्यक्ष मोहम्मद जानी, कथारा के नेता गणेश कोप एवं मोहम्मद शकील शामिल हुए। बताया गया कि अगर जल्द से जल्द गिरिडीह ओपन कास्ट से प्राइवेट गार्ड के नाम पर कोयला चोरी करवा रहे कोयला चोरों को नहीं हटाया गया तो राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ की पूरी टीम ओपन कास्ट कोलियरी का संवैधानिक रूप से लॉकआउट करेगी। कहा गया कि गिरिडीह सीसीएल क्षेत्रवासियों को मूलभूत चीजों से वंचित रख रहा है। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ का एक प्रतिनिधि मंडल सीएमजी से मिलेगा एवं गिरिडीह के मुद्दों पर बात रखेगा। इस दौरान अन्य कई मुद्दों पर भी बातचीत की गई। मौके पर राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के मिथिलेश कुमार यादव, राहुल कुमार विश्वकर्मा, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के उपाध्यक्ष रमेश कुमार झा, अनवर हुसैन, सितम्बर मंडल युवा इंटक के जिलाध्यक्ष प्रदीप पासवान, मनोज दास, मुकेश दास, सुरेश राय, बसंत चौधरी, पिंकू अंसारी, दामोदर तोरी, महेंद्र चौधरी, फिरोज अंसारी, विक्रम रब्बानी, हकीम अंसारी, कुंदन यादव सहित सैकड़ों लोगों ने धरना में भाग लिया एवं धरना को सफल बनाया। बाद में 25 सूत्री मांगों को लेकर कोलियरी प्रबंधन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। आज के आयोजन किया गया गिरिडीह कोलोरी को बचाने के, यहाँ के मजदूरों के हक हुकूमत दिवाने के लिए, और पूरा इंटक और आरसीएम संगठन यहाँ के हर समस्या का निराकरण कराने के काम करेगा। और पूरा संगठन गिरिडीह के जनता के साथ, यहाँ के मजदूरों के साथ, यहाँ के बेरोजगारों के साथ, यहाँ के असंगठित मजदूरों के साथ खड़ा रहेगा। और एकमात्र संगठन इंटक है जो मजदूर हित में हमेशा काम करता है और करता रहेगा। गिरिडीह के मजदूर वर्ग हमेशा आश्वस्त रहे, इंटक उन लोग का है, उनके साथ काम करेगा। आज का एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम गिरिडीह में ऋषिकेश मिश्रा जी के द्वारा रखा गया था। इसमें 25 सूत्री मांगे थी और जो भी मांगे हैं वो मजदूरों से संबंधित है, मजदूरों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर के आज जो है धरना दिया गया, ज्ञापन सौंपा गया। 45 दिनों तक एक समय दिया गया है कि 45 दिनों में इन सब मांगों पर निष्पादन करें, अन्यथा बाध्य होकर राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ आंदोलन करेगा। और पूरा सीसीएल गिरिडीह के मजदूरों के साथ है, पूरा इंटक गिरिडीह के मजदूरों के साथ है।
आज एक दिवसीय धरना हमारे ऋषिकेश भाई जो यहाँ का अध्यक्ष है रखे हुए थे गिरिडीह कोलेरी में, क्योंकि यहाँ पर एक दिवसीय धरना 25 सूत्री मांगों को लेकर रखा गया था, जिस पर अहम मुद्दा है यहाँ पर कोयला चोरी पर अंकुश लगाने के काम यहाँ का मैनेजमेंट द्वारा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर कुछ असामाजिक लोग जो गार्ड अपने आप को गार्ड बोल कर रह रहे हैं और गार्ड है भी नहीं, अभी तो कहीं पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का कोई प्रावधान भी नहीं रह रहा है, न रखा गया है मैनेजमेंट द्वारा, लेकिन मैनेजमेंट और ये चोर लोग को मिली भगत से ये चोरी काफी बढ़ा रहा है और इतना बढ़ा हुआ है कि इस पर अंकुश लगावे सरकार और यहाँ का मैनेजमेंट लोग, नहीं तो हम लोग बाध्य होकर इस पर आंदोलन को हम लोग आगे ले जाएंगे और यहाँ हेडक्वार्टर रांची दरभंगा उसमें ले जाकर इस पीओ जीएम के खिलाफ हम लोग इसका बात को रखेंगे और यहाँ का पीओ जीएम को हटाने का काम करेंगे, अगर नहीं हटाए तो। धन्यवाद। शहर के बावन टोली रोड स्थित श्याम मंदिर परिसर में 24 दिसंबर को रानी सती दादी जी का 11वां मंगल पाठ महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। गुरुवार को इसकी तैयारी की जानकारी दी गई। बताया गया कि इसको लेकर संस्था के लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। बताया गया कि इस दौरान श्री दादी जी का भव्य श्रृंगार ज्योत 26 भोग और भजन संकीर्तन के साथ साथ मंगल पाठ का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान नागपुर से आए प्रसिद्ध पाठवाचक उज्जवल खाकोलिया और 351 महिलाओं द्वारा संयुक्त रूप से मंगल पाठ भी किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण नृत्य नाटिका चुनरी उत्सव एवं लॉटरी द्वारा दादी का खजाना 24 भक्तों को दिया जाएगा। संस्था के लोगों ने गिरिडीह वासियों से अपील करते हुए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में दिलीप बगेड़िया, पीयूष मुजदी, अनिल अग्रवाल, विशाल पिलानिया, सूरज टिब्रेवाल, राहुल बंसईवाला, आकाश दंगेज, चंद्र प्रकाश, सुमित शाश्वत समेत कई लोग मौजूद थे। जय श्री श्याम, जय दादी की। हर साल की भांति इस साल भी दादी परिवार द्वारा मंगल पाठ महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि हमारा 11 मंगल पाठ महोत्सव है, जो श्याम जय समिति में होगा हमारा। और 24 तारीख को दिन शनिवार को दिन 12 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। नागपुर साहिब एक प्रसिद्ध पाठवाचक श्री उज्जवल खाकोलिया जी द्वारा ये पाठ किया जाएगा। कलकत्ता साहिब टीम द्वारा नृत्य नाटिका का प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पे हमारे द्वारा 56 भोग और 7 मणि के भोग भी लगाया जाएगा। सभी भक्तों से आग्रह है कि सभी हमारे फंक्शन में आए और हमारे अनुग्रह करें। धन्यवाद। जय दादी की। सभी गिरिडीह वासियों को बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है। हर वर्ष की भांति इस साल भी दादी परिवार गिरिडीह के द्वारा मंगल पाठ उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें नागपुर से आए प्रख्यात पाठवाचक श्री उज्जवल जी खाकोलिया द्वारा मंगल पाठ किया जाएगा। कलकत्ता के द्वारा टीम आ रही है जो नृत्य नाटिका का परफॉर्मेंस देगी। इसमें आप सभी गिरिडीह वासी सादर आमंत्रित हैं, सभी जरूर से आए और पुण्य के भागी बने। जय दादी। सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कुलगो टोल प्लाजा का किया निरीक्षण। सरकारी मानकों के अनुपालन का दिया निर्देश। 15 दिनों के अंदर सभी समस्याओं को दूर करने की भी दी हिदायत। हरिचक कार्यालय में हुई भाजपा की कामकाजी बैठक। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम का लिया गया निर्णय। वहीं प्रधानमंत्री के मन की बात को जन जन तक पहुँचाने की भी बनी योजना। वरीय अधिवक्ता मदन मोहन प्रसाद का हुआ निधन। अधिवक्ता संघ ने दी श्रद्धांजलि। उनकी कमी को बताया अपूर्णीय क्षति। गावा में वन क्षेत्र पदाधिकारी के नेतृत्व में चला अवैध शराब के खिलाफ अभियान। जंगल में संचालित शराब की भट्टी को किया गया ध्वस्त। 30 ड्रम जावा महुआ को किया गया नष्ट। इधर बिन्नी में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। और स्कॉलर बीएड कॉलेज में आयोजित हुआ फेयरवेल कार्यक्रम। सत्र 2020-22 के विद्यार्थियों को दी गई भावभीनी विदाई। कई गणमान्य लोग रहे कार्यक्रम में शामिल। तो
आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत, कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।